खबर सवाई माधोपुर से है, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे में हनी ट्रैप मामले का खुलासा कर गैंग के सभी लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि खिंडी नगर पालिका चेयरमैन रूप सिंह गुर्जर ने 29 अप्रैल को हनी ट्रैप की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा उनको धमकी दी गई कि तुम्हारा अश्लील क्लिप बना लिया है। वहीं क्लिप को वायरल कर राजनीतिक कैरियर खत्म करने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती डिमांड कर दी। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। दिनांक 29/4/2024 को खिरनी नगर पालिका चेयरमैन रूप सिंह गुर्जर ने एक तहरीरी रिपोर्ट थाने पर आकर पेश की, जिसकी सूचना मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एडिशनल साहब सीओ साहब उनको दी। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम थाने से टीमें गठित करवाई और तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अभय पुत्र विक्रम निवासी कैमरी थाना नादौती जिला गंगापुर और परमेंद्र हीरालाल उर्फ चेतराम निवासी बाड़लास थाना कुंडेरा जिला सवाईमाधोपुर, मुनेश पुत्र शंभू निवासी माडोली थाना मलारन डूंगर, उदय सिंह पुत्र रामरतन निवासी माडोली थाना मलारना डूंगर, सुनीता वायपोप स्वर्गीय ओम प्रकाश निवासी गंभीरा हाल निवासी खैरदा सवाईमाधोपुर को गिरफ्तार किया है। परवादी का आरोप था कि मुझे अश्लील बातें करके उसकी ऑडियो का झांसा देकर बुलाया कि तुम्हारी ऑडियो बन गई है जिसे हम वायरल करेंगे, जिससे तुम्हारा राजनीतिक जो कैरियर है वो ख़त्म कर देंगे।